हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट आपका दोस्त अमन पांडे। आज हम करेंगे होस्ट का पार्ट थ्री करेंगे, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स किए थे और प्रॉब्लम्स किए थे। आज भी हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स और प्रॉब्लम करने वाले हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो जल्द से जल्द लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल से भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे, टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है, टाइम टू टाइम। तो चलते हैं हम अपने पहले न्यूमेरिकल की तरफ। अगर आपको कोई डाउट है तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर करें। देखो हमारा पहला ये क्या कहता है, मैं ये कह रहा है, देखो इसमें कह रहा है, अगर एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये इसका मास है कुछ 100 किलो, ये चल रहा है 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा है 8 मीटर पर सेकंड तक, तो बताओ दो सेकंड में चल रहा है, तो बताओ इसकी इनिशियल और फाइनल मोमेंटम कितना होगा। तो 400, 800, 100, 400, 200, 400, 400। तो देखो मोमेंटम हमारा, मोमेंटम का होता है द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। तो देखो मोमेंटम तो हम फाइनल निकालते हैं, फाइनल होता है पी इक्वल टू पी, हमारा मोमेंटम होता है एम इनटू पी, ठीक है, और हमारा इनिशियल क्या होगा, यही होता होगा, देखो पी इक्वल टू एम इनटू यू है ना, तो यू होता यू है, यू है, ठीक है। तो एम कितना है 100 और बी हमारा कितना है, बी 8 है, तो 800 आ गया, 800 ये हमारा, ये 800 आ गया, और ये निकालो निकालो इसका है कुछ 100, तो हमारा यू कितना है, कितना है 4, तो आगे 400 आ गया, देखो इसमें क्या बोल रहा है। गाड़ी में सीट बेल्ट प्रोवाइडेड होती है, जब भी गाड़ी कार स्टॉप होती है एमरजेंसी ब्रेक लगाकर, तो बताओ वो आदमी बाहर क्यों नहीं निकलता है, सीट बेल्ट की वजह से नहीं निकलता होगा, तो बताओ वो सीट बेल्ट क्यों लगाई जाती है, और वो बताओ वो हमें बचाने के लगाई जाती है वैसे, और वो बताओ कि कौन से लॉ ऑफ मोशन का है, वो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन या लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो उसका सही आंसर है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। देखो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, अब कोई रेस्ट में, मोशन में या पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसको चेंज तभी कर सकते हैं जो हम एक्सटर्नल बैंड फोर्स लगाएंगे उसके ऊपर, ठीक है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या रहता है, जो भी मोमेंटम है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है हमारे किसके, एक्सटर्नल बैलेंस फोर्स के। थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या बोलता है, जो भी हम किसी में फोर्स लगा रहे हैं तो हमें ना इक्वल देता है, अपोजिट फोर्स देता है, जैसे कि हमने फोर्स लगाया, आपने फोर्स दीवार में ज़्यादा फोर्स लगाया तो वो भी ज़्यादा फोर्स लगाया, अगर आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो वो डायरेक्टली 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगा, बस माइनस में, माइनस मतलब क्यों, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। और लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, ये एक फिनोमिना होता है जिसमें अर्थ अट्रैक्ट करता है किसी भी चीज़ को, ठीक है, फिनोमिना होता है। और न्यूटन ने ये फाइंड करा था जब उसके ऊपर सेब गिरा था, तो उसमें क्या बोलता है, जो गोलकीपर होता है ना फुटबॉल का गोलकीपर, वो जब फुटबॉल कैच करता है तो बताओ उस वो अपने, ये फुटबॉल आ रही है यहाँ पे कैच करता है, भी कैच करता है तो वो हाथ अपने पीछे वो ले जाता है, यहाँ पे पीछे क्यों ले जाता है ये बताओ, ये उसकी आँख है, ठीक है, ये हंस रहा है वो, तो बताओ ये बात भी है। अच्छा तो क्योंकि अपना फोर्स कम करने के लिए वो अब पीछे इसलिए जाता है, उसका फोर्स ना कम हो जाता है थोड़ा, उसके हाथ में दर्द भी नहीं होता है, अगर वो आगे रह लेता तो उसका हाथ ब्रेक होने का भी डर है और उसका हाथ में दर्द होने का भी डर है, जिसे वो खेल नहीं सकता है। देखो इसमें क्या बोल रहा है, ये बस अगर एक बस है वो सडनली मतलब एकदम से स्टार्ट हुई तो बताओ पैसेंजर क्या हो सकता है, कहाँ पे गिर सकता है, 10 to 4 मतलब कहाँ पे गिर सकता है, जहाँ पे बस चल रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पे जस्ट बस चल रही है ये, यहाँ पे बस चल रही है उसकी डायरेक्शन में, या बस की साइड डायरेक्शन है, या कहीं पे भी नहीं, तो इसका सही आंसर है ए, वो बस की, देखो कैसे, ये देखो आप ये खड़े हो, आपकी बॉडी ये बस की जमीन है, जब बस जैसी चलेगी तो आपके जो पाँव है कांटेक्ट में वो तो वहीं पे खड़े रहेंगे, आप अपने पीछे की तरफ जाओगे क्योंकि आप पहले रेस्ट में थे, इसलिए अगर आप पहले मोशन में होगे तो आप आगे की तरफ जाओगे, जब बस रुकेगी आपके पैर वहीं पे रहेंगे। देखो इसमें क्या बोल रहा है, हाँ देखो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें कुछ ये बोला, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, कौन सी सिचुएशन है जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन में इन्वॉल्व है,
ये लैटर फोर्स है, वो लैटर फोर्स को हम इजीली स्टॉप कर सकते हैं और हैवी एयर व्हीकल को भी हम इजीली स्टॉप कर सकते हैं जो चल रही है दोनों। हमें फोर्स एग्जर्टेड लाइटर फोर्स और जब लाइटर फोर्स और ये एल और हैवी फोर्स जब टकराएंगी तो उसमें कुछ चेंज नहीं आएगा, दोनों सेम तरह से टूटेगी। देखो ये बोले एक मक्खी है और ये मक्खी है जी, ये मक्खी टकराई ट्रक से तो कुछ तो दोनों में बराबर नुकसान होगा, नहीं मक्खी को नुकसान होगा। इसमें बोला है कि जो भी इसमें बोला है हम मक्खी को आराम से मतलब मक्खी की जगह हम रख लेते हैं एक छोटी सी टॉय ट्रक टॉय कार ले लेते हैं, टॉय कार को हम इजीली पुश करके चला सकते हैं और एक बड़ी कार को हम चला नहीं सकते पुश करके। तो इसमें यही बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि जो भी है बलून, ये बलून नीचे की हवा निकलती है ना तो ये उड़ जाता है, उड़ जाता है तो ये अपवर्ड उड़ता है, ये होता है। तो यह सही आंसर है सी, बिल्कुल सही, ये तो पता है। इसमें को दोनों को बराबर नुकसान नहीं होगा, पता है हम दोनों को एक को रोक सकते एक को नहीं रोक सकते, तो ये इसका आंसर सी बिल्कुल सही है। देखो इसमें क्या बोल रहा है, बोला है ए, मैंने एक आदमी है उसने ना बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी है और वो रोलर स्केट में खड़ा है और उसके ऊपर एक उसके जो ये है उतना उसका वेट है तो, और एक बुलेट आई, बुलेट मतलब एक बंद एक गोली आया उसके उसमें लग गई तो वो इतने की स्पीड से आ रही थी, तो बताओ जब वो रुकेगी तो वो रुक के ना गिर जाएगी क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी थी, तो बताओ उसके आदमी की वेलोसिटी कितनी होगी, देखो कितनी होगी देखो बताओ कितनी होगी। तो वो इसका सही आंसर कुछ इतना, तो देखो ऐसे ये देखो कैसे हो, देखो पहले हम सब कुछ लिख लेंगे, देखो पहले हमारा बिग एम हम डिनोट करते हैं उससे मैन से और स्मॉल एम हम डिनोट करते हैं बंदूक से, 2 kg ना 2 ग्राम है 20 ग्राम है ना 20 ग्राम, तो हम इसको पहले kg में करते हैं 0.002 kg, फिर हम उसकी वो लिखते हैं और बड़ा यू लिखता है मुश्किल है, छोटा यू लिखता है मुश्किल है, बड़ा यू मुश्किल थी है, तो उसका यू कितना है 0 और उसका यू कितना है तो छोटा यू कितना है, तो छोटा यू है कुछ 400 और उसका यू हो गया, उसका बड़ा भी कितना है, बड़ा भी हमें फाइंड करना है, छोटा भी उसका 0 तो गिर गई थी आकर, तो देखो हम निकालते हैं इसका ये, तो हमारे पास फॉर्मूला था ये कंधर पे m1 v1 प्लस m2 v2 इजिकल टू m1 u1 प्लस m2 u2, ठीक है ये होता है फॉर्मूला हमारा, ये कंजर्वेशन ऑफ उसका होता है किसका, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, उसमें क्या बोलते हैं अगर जो भी है ये कोई बॉडी है ये दूसरी बॉडी से टकराए जो ये इसके आने से पहले और आने के बाद जो भी इसकी वेलोसिटी होगी ना वो सेम होगी इजिकल टू यू इजिकल टू भी, ठीक है। तो हमारा ये हम रखते हैं पहले ये बड़ा एम है, तो बड़ा एम कितना था हमारा 80 इंटू वी हमारा हमें फाइंड करना था वी प्लस, और ये हमारा छोटा एम कितना था 0.002 इंटू वी हमारा 0 था इजिकल टू, और हमारा छोटा एम कितना बड़ा एम कितना था, बड़ा एम हमारा 80 था, 80 था ना 80 में हमारा यू कितना है 80 इंटू यू हमारा कितना है उसका यू हमारा कुछ है 0 और प्लस एम टू इतना हमारा 0.02 कुछ इतना है ना, तो इससे हम प्लस करेंगे क्या कि हमारा यू कितना 400, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे करते हैं, तो देखो इसके आगे क्या होगा, तो देखते हैं थोड़ा, तो देखो तब इसको हम करते हैं ये यहाँ पे 80 आ जाएगा प्लस में वहाँ पे टू ये इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 0 आ जाएगा, तो 0 में हम प्लस करें तो वही रिमेन हो जाएगा, और यहाँ पे कितना है 80 इंटू 0 तो 80 इंटू 0 0 जाएगा। देखो ये मल्टीप्लाई करके 8 कैसे आएगा, देखो ये इसके 2 0 इसके यहाँ पे 80 कर देते हैं 2 0 काटेगा तो 4 जाए 8 आ गया, यहाँ पे बी था तो बी इजिकल टू 8/80, उसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कुछ आ जाएगा 0.1 आ गया आ जाएगा। देखो उसमें क्या बोल रहा है, अगर एक हॉर्स जब वो रेस्ट में था वो तेज ही चलने लगा भागने लगा अचानक,
तो उसके ऊपर जो राइडर बैठा था, तो बताओ क्या होगा राइडर के साथ? राइडर इज टेकन बैक, राइडर पीछे को आ जाएगा, राइडर सडनली अफ्रेड, और जो राइडर है वो डर जाएगा, या इनर्शिया ऑफ रेस्ट कीप द अपर पार्ट द बॉडी एट रेस्ट, जो इनर्शिया है वो अपर पार्ट को रेस्ट में रखेगा, नीचे वाले पार्ट को रेस्ट में नहीं रखेगा, या कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर है ये सी। देखो कैसे, देखो आपका जो अपर पार्ट है वो घोड़े में, घोड़े से टच है तो अपर पार्ट पूरा रेस्ट में रहेगा, और पीछे आपके टांग पीछे फॉलो होगी ना, पीछे को थोड़ा वो रेस्ट में आपके कॉन्टेक्ट में। देखो इसमें क्या बोल रहा है, अगर ये ऑब्जेक्ट है वो कंटिन्यू एक्सेलरेट हो रहा है, मतलब एक्सेलरेट हो रहा है तो बताओ क्या होगा? उसकी जो फोर्स है वो डिक्रीज होगी, तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा, उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, वेलोसिटी की रिएक्शन चेंज होगी, इधर को होगी या इधर को होगी, या रिजल्टेंट फोर्स हमेशा इंक्रीज होता रहेगा। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, किसी चीज़ को हम प्लस करेंगे तो वो उसका जो वहाँ पर जो आएगा होता है रिजल्टेंट फोर्स। इसमें सही आंसर है बी। देखो इसमें क्या बोला है, एक कैनॉन, कैनॉन मतलब होता है एक तोप होती है, तोप ये तुम्हारी तोप है, ये तोप है, जब ये अपना गोला छोड़ेगी, गोला छोड़ेगी तो बताओ वो किस की वजह से छोड़ेगी, कौन से इनमें से छोड़ेगी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, या बैकवर्ड थ्रस्ट ऑफ गैस से, या थर्ड लॉ मोशन या फर्स्ट लॉ मोशन। तो जो सही आंसर है ये, देखो ये तो पीछे हो जाएगी, जब ये आगे हो जाएगा गोला, तो ये आगे हो जाएगा तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन से पीछे हो जाएगी, तो ये पीछे हो जाते, तो ये किसकी वजह से होता है, ये न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से होता है, लॉ ऑफ मोशन की वजह से होता है, ठीक है। देखो मैं क्या बोल रहा है, एक ऑब्जेक्ट है उसका मास है कुछ 2 kg, तो वो चल रहा है कॉन्स्टेंट वेलोसिटी की तरफ से, उसकी जो स्पीड है उसकी जो इतनी है मीटर पर सेकेंड, हॉरिजॉन्टली टेबल में चल रहा है, ये हॉरिजॉन्टली टेबल है हमारा, तो फोर्स उसमें रिक्वायर्ड है, तो बताओ कितना फोर्स है उससे, अगर हमारी वेलोसिटी सेम है तो 32 न्यूटन, 0 न्यूटन, 2 न्यूटन या 8 न्यूटन। तो हमारा न्यूटन क्या होता है, न्यूटन होता है फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला कहता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास क्या होता है हमारा केजी, केजी होता है ना, और एक्सेलरेशन हमारा कितना है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सही आंसर हो गया, जीरो जीरो क्यों, क्योंकि हमें इसमें कोई एक्सटर्नल बेंच फोर्स नहीं लगाने ना, इसलिए तभी जीरो हो गया। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक का बटन जरूर दबाना है, और शेयर करना ना भूलना, जिससे आपके फ्रेंड्स को पता चल जाए, और कमेंट भी करना है आपको, अगर सब्सक्राइब तो करना है, अगर अच्छे से आने वाले सभी वीडियो देखने आपको समय पर मिलते रहे, अगर आप ये दबाओगे तो